नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चुका टिक का एक फ्रेश एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आप किस तरीके से आप अपने जियो एयरटेल वोडाफोन सिम कार्ड से आप BSNL के अंदर पोर्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी दोस्तों, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने जियो एयरटेल वोडाफोन के सिम कार्ड को अब BSNL के अंदर अभी यहाँ पर पोर्ट कर सकते हैं। BSNL इस तरीके का ऑफर अभी यहाँ पर 2024 के अंदर लेके आ चुका है, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने सिम कार्ड को यहाँ पर पोर्ट कर सकते हैं BSNL के अंदर। इसके लिए आपको यहाँ पर एक भी रुपये देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जियो एयरटेल वोडाफोन अपने प्लान के अंदर 25% का यहाँ पर प्लान का प्राइस एक यहाँ पर कर दिया है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनका प्लान यहाँ पर महंगा हो गया है। तो इसके लिए आप अगर आपको अभी यहाँ पर महंगाई से बचना है और अगर आपको अच्छा डेटा कॉलिंग SMS वाले सस्ता प्लान चाहिए तो आपको BSNL के अंदर पोर्ट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र ऐसे सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL जो कि आपको अभी भी सस्ता प्लान यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। BSNL ने अभी भी यहाँ पर प्लान का प्राइस यहाँ पर नहीं किया है और काफी सारी जगह के अंदर BSNL का 4G टावर भी यहाँ पर आ गया और आने वाले दिन के अंदर BSNL 5G सर्विस भी यहाँ पर देने वाला है। तो अगर आप अभी यहाँ पर पोर्ट कराना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिम कार्ड मिलेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पोर्ट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए मैडम इसके आज के स्टडी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1900 का ये जो नंबर है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर मैच पोर्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा PORT, आपको यहाँ पर कैपिटल में इस तरीके से लिखना है। फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपका साइड में आप यहाँ पर स्क्रीन के अंदर भी देख सकते हैं, PORT आपको कैपिटल में लिखना है। और उसके बाद आपका जो भी यहाँ पर सिम कार्ड है जियो एयरटेल वोडाफोन, आपको नंबर यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद 1900 के अंदर आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड कर देंगे तो आपको हो सकता है कि 5 मिनट के बाद ही आपका एक यहाँ पर कोड आएगा, या फिर हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर या फिर आधा घंटे के अंदर आपको यहाँ पर एक कोड आएगा। तो आपको वो कोड का यहाँ पर वेट कर लेना है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर तुरंत भी आ जाता है और कभी कभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जैसे आपको वो कोड मिल जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है आपका आसपास का जो भी यहाँ पर BSNL का ऑफिस है, एक्सचेंज ऑफिस या फिर आप BSNL का ऑफिस आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर वो जो कोड आपको मिलेगा वो कोड आपको लेके यहाँ पर जाना है BSNL का ऑफिस के अंदर। जैसे आप BSNL का ऑफिस में जाएंगे तो आपको साथ में यहाँ पर आपका जो ओरिजिनल जो यहाँ पर आधार कार्ड है उसको आपको लेकर जाना है और उसके बाद वहाँ पर जाके आपको वो कोड उनको बोलना है कि मुझे यहाँ पर BSNL के अंदर पोर्ट करना है। तो उन लोग आपको यहाँ पर बताएंगे कि हमको जो कोड है वो कोड दीजिए, तो आपको कोड दे देना है और उसके बाद आपका आधार कार्ड लेंगे और उन लोग आपका फोटो भी लेंगे, बायोमेट्रिक भी लेंगे और आपका यहाँ पर एक BSNL का सिम कार्ड आपको यहाँ पर दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको यहाँ पर सिम कार्ड का एक भी रुपया यहाँ पर देना आपको नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिम कार्ड मिल जाएंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर BSNL का ऑफर चल रहा है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सिम कार्ड यहाँ पर BSNL के अंदर पोर्ट हो जाएगा। और पोर्टिंग का जैसे आप यहाँ पर काम करके आ जाएंगे तो आपका सिम 3-4 दिन के अंदर आपका सिम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों BSNL के अंदर एक यहाँ पर एक ऐसे तरीके का यहाँ पर चलता है कि BSNL के अंदर आपको फर्स्ट टाइम सिम कार्ड एक्टिव करने के लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। तो आप कोई भी प्लान को यहाँ पर ले लीजिएगा, आपको यहाँ पर BSNL के अंदर वो BSNL कहता है ये सिम कार्ड एक्टिव करने के लिए FRC रिचार्ज जो कि आपको यहाँ पर कराना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 108 रुपये का भी प्लान है, आप वो FRC रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 महीने का बेनिफिट मिल जाएंगे और अगर आपको 2 महीने का बेनिफिट चाहिए तो आपको यहाँ पर 239 का आप FRC रिचार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको 150 दिन का यहाँ पर वैलिडिटी वाला अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर 391 वाले भी प्लान को भी ले सकते हैं। ये प्लान भी काफ़ी अच्छा है, FRC रिचार्ज है, 3 FRC रिचार्ज अवेलेबल है। और या फिर इससे कम अगर कोई भी रहेगा तो आप BSNL ऑफिस वाले को पूछ लेके आप यहाँ पर वो पैसा दे दीजिएगा। तो आपका सिम कार्ड जैसे एक्टिव होगा उसके बाद आपका यहाँ पर रिचार्ज करने का झंझट यहाँ पर नहीं रहेगा, आपका सिम कार्ड भी एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव कराने के लिए आपको कोई भी रिचार्ज करना ही पड़ेगा, मिनिमम आपको 108 वाले जो प्लान है आप ये तो आपका करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिम कार्ड एक्टिव नहीं होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, आपको कंपनी वाले बोलेंगे तो आपको आप अगर आपको उससे भी सस्ता कराना है तो आपको उनके उनसे आप पूछ लीजिएगा और उसके बाद FRC रिचार्ज आप कोई भी यहाँ पर करा लीजिएगा। मैंने आपको जो बताया अगर आप तीनों में से कोई भी एक लेना चाहते हैं तो करा सकते हैं, तीनों प्लान भी काफ़ी अच्छा है। तो आपका यहाँ पर सिम कार्ड यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा 3-4 दिनों के अंदर। हो सकता है कि आपको यहाँ पर इस जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इस प्रोसेस के बीच में आपको कभी कभी यहाँ पर जियो एयरटेल वोडाफोन वाले आपको जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे पोर्ट के लिए, आपको जो मैंने नंबर बताया 1900 के अंदर जैसे आपका कोड मिलता है उसका कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपको जियो एयरटेल वोडाफोन वाले से आपको कॉल आए कि भाई आप लोग यहाँ पर हमारा कस्टमर है, हमारा सर्विस को क्यों अब यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। तो आप अपना रीज़न यहाँ पर बता दीजिएगा कि प्लान का प्राइस वगैरह बढ़ गया है तो हमें अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर मैं पोर्ट करा रहा हूँ, आपको इस तरीके से बता देना है। नहीं तो अगर आपको आकर वहाँ पर अगर आप बता देते हैं कि मैं मेरे से यहाँ पर गलती से हो गया है, मैं पोर्ट कराना नहीं चाहता,
तो आपका यहाँ पर पोर्टिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर रुक जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर उनको बता देना है कि मुझे सच में पोर्ट यहाँ पर करना है और मुझे यहाँ पर अभी टेलीकॉम कंपनी से मुझे BSNL के अंदर जाना है, ये आपको यहाँ पर बोलना है, ठीक है। और उसके बाद उन लोग यहाँ पर कॉल कट कर देंगे। और अगर आपका यहाँ पर कॉल आता है और अगर आप यहाँ पर बता देते हैं कि मैंने यहाँ पर गलती से कर दिया, मुझे पोर्ट नहीं कराना है, तो आपका पोर्टिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर रुक जाएगा। तो आपको हाँ कहना है कि हाँ मुझे यहाँ पर पोर्टिंग कराना है, तो ये आपका यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान से रखना है। कंपनी से कॉल आए तो आपको बता देना है कि कंपनी का प्लान वगैरह बढ़ गया है, मुझे यहाँ पर रिचार्ज कराने का यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर उतना एफर्ट नहीं है, तो मैं BSNL के अंदर पोर्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको आपका जो भी रीज़न है आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मेरे एरिया के अंदर नेटवर्क अच्छा वगैरह नहीं है, तो आपका यहाँ पर पोर्टिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा और आप यहाँ पर इजिली पोर्ट करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिम कार्ड लेना पर यहाँ पर मिल जाएंगे BSNL की तरफ से, और आपको एक भी रुपये एक्स्ट्रा देना पर देना नहीं पड़ेगा। और अगर आप किसी यहाँ पर रिटेलर के पास जाते हैं तो हो सकते हैं वो यहाँ पर BSNL सिम कार्ड के लिए आपको 50 रुपये ले ले। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी BSNL की तरफ से बता दिया गया है कि अभी BSNL फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर पोर्टिंग का ऑफर दे रहा है अभी, तो आप यहाँ पर इजिली यहाँ पर BSNL ऑफिस से आके आप इजिली सिम कार्ड यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको एक भी रुपये देना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर BSNL के अंदर पोर्ट कर सकते हैं अभी, और आप अभी प्लान का प्राइस देख से भी बच सकते हैं जी एयरटेल वोडाफोन से। अभी BSNL का प्लान काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी अच्छे बेनिफिट भी है, और काफ़ी BSNL का नेटवर्क अभी यहाँ पर अच्छे जगह के अंदर, काफ़ी सारी जगह के अंदर 4G भी आ गया और काफ़ी सारी जगह के अंदर 3G का स्पीड भी यहाँ पर बढ़ गया है। मैं आपको टाइम टू टाइम पर अपडेट देता रहता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोसेस का फॉलो करके पोर्ट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप सिम कार्ड यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा शेयर कर दो, और हमारे चैनल के अंदर आप पहली बार है, हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके पसंद जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल में प्रेस करके रख दो। इस तरीके का हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए BSNL जियो एयरटेल वोडाफोन से रिलेटेड, मैं आप लोगों के लिए टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड वीडियो लेके यहाँ पर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ऑफर अपडेट में जो मिलते रहेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको और कुछ जानकारी लेना है, तो आप यहाँ पर वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक ले गुड बाय।